नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू, क्या भरना होगा फॉर्म, जानिए हर सवाल का जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक मंगलवार से 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। बरेली जिले में सभी बैंकों के 417 शाखाओं में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। सुव्यवस्थित तरीके से नोट बदले जाए और ग्राहकों को असुविधा ना हो, इसके लिए कई बैंक शाखाओं में अलग से काउंटर लगाए गए हैं। नोट बदलने से पहले ग्राहकों को फॉर्म भरकर जमा करना होगा। पूरी प्रक्रिया और हर दिन की स्थिति पर आरबीआई की नज़र बनी रहेगी। अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम सुषमा के ने न्यूज लाइन भारत से बातचीत में ग्राहकों की समस्याओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने नोट बदलने से लेकर जमा करने तक की प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया है। एलडीएम का कहना है कि ग्राहक प्रक्रिया को समान तरीके से ही ले, आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इतने समय में आराम से नोट बदल सकते हैं। आरबीआई के शाखा प्रबंधक शैलेश कुमार यादव ने कहा कि बैंक में ग्राहकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है। ग्राहकों को फॉर्म भरने में मदद करने के लिए स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई है। जरूरत होने पर परिसर में अलग से काउंटर लगाए जाएंगे। नोट बदलने वाले सभी लोगों को फॉर्म भरकर शाखा में जमा करना होगा, इसलिए कहा गया है क्योंकि बैंक को भी आरबीआई को इसकी सूचना देनी होगी। बैंक के खाता धारक 2 लाख की सीमा तक 2000 के नोट जमा कर सकेंगे। बदलने के लिए सीमा 10 नोट यानी केवल 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। ये बैंक के ग्राहकों पर भी लागू होगी और अन्य लोगों पर भी। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा प्रबंधक अमन शर्मा ने कहा कि बैंक में नोट बदलने के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ नोट बदलने के लिए अलग से फॉर्म भरकर देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आकर अलग काउंटर पर संपर्क करके अपने नोट बदलवा सकता है। एक दिन में 10 नोट ही बदले जाएंगे। नोट जमा करने के लिए बैंक के ग्राहक समान दिनों की प्रक्रिया के तहत ही 2000 के नोट भी अपने खाते में जमा करा सकते हैं। खातों में केवाईसी ना होने पर दिक्कत आ सकती है, इसलिए जिनके खातों में केवाईसी नहीं है उन्हें पहले बैंक से केवाईसी करानी होगी। इसके लिए परिसर में ही फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।